फरीदाबाद के धौज इलाके में देर रात अज्ञात लुटेरों ने एटीएम को धमाके से उड़ाकर उसमें रखे करीब 10 लाख रुपए पर अपना हाथ साफ किया। बैंक कर्मचारी की माने तो उन्हें एटीएम के उड़ाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे और देखा कि एटीएम क्षतिग्रस्त था और उसमें रखा पैसा भी गायब था। एटीएम को देखकर लगता है कि बदमाशों ने इसे किसी धमाके से उड़ाया है। हाल ही में एटीएम में 19 लाख रुपए डाले गए थे, लेकिन धमाके के बाद जो कैश पुलिस को प्राप्त हुआ है वो करीब 8 लाख रुपए बताया गया है। वही सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गया है और देखा है जिस तरीके से वो टूटा हुआ है, लगता है कोई ना कोई धमाका ही हुआ है वहाँ पे, नहीं तो बिना धमाके के संभव नहीं है जो इतने बुरी तरह एटीएम टूटता। तो पुलिस जांच कर रही है? हाँ जी, पुलिस अपनी जांच कर रही है। हमने सर को अपनी जो है दरखास्त दी है, कार्रवाई कर रही है और जैसे भी। तो क्या कोई सीसीटीवी कैमरे की मदद लेंगे? सीसीटीवी के लिए उसके लिए हम पुलिस को मुहैया कराएंगे। हमारा जो डीवीआर है वो लॉक में बंद मिला है, जो उसका सेफ कवर होता है ना, जो उसमें बंद मिला है, उसमें चेक करवा के वो हम उनको इंजीनियर के द्वारा पुलिस वालों को मुहैया करा देंगे। वैसे उससे पहले उसमें स्प्रे वगैरह भी मारा है उन्होंने, काले पेंट का स्प्रे वगैरह मारा हुआ है कैमरों में जी, तो उसमें चेक करने के बाद ही इंजीनियर ही बता पाएगा उसका, तो फुटेज का जो जैसे जितना भी जो। तो कौन से ब्रांच का बैंक था सर ये? एक्सिस बैंक का, ये अपना बेस ब्रांच। वहीं पुलिस के मुताबिक उन्हें सुबह लगभग 3 बजे कंट्रोल रूम से बीटी प्राप्त हुई थी कि धौज स्थित एक एटीएम को अज्ञात लुटेरों ने उखाड़ दिया है। जिसकी सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची तो पाया कि एटीएम बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था और कुछ नोट बाहर बिखरे हुए थे। फिलहाल नोटों को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच की जा रही है। ये मामला ऐसा है जी, करीब 3:15 बजे के करीब एक कंट्रोल रूम से एक टेलीफोन हमारे थाने पर प्राप्त हुआ कि गांव धौज के बस स्टैंड पर एटीएम टूटा हुआ है। जिसको सूचना पाते ही मैं तुरंत टीम के वहाँ पर गया। वहाँ पर हमने देखा तो एटीएम को मेन जो गेट था शीशे वाला वो टूटा हुआ था और अंदर से एटीएम भी टूटा हुआ था। उसमें से कुछ पैसे बाहर खिले हुए थे नीचे जो फटे हुए थे और शीशे वगैरह भी टूटे हुए थे और कुछ नुकसान उसका एटीएम में इतना था कि वो जो मशीनें सारी डैमेज हो गई थी। तो कितना जो कैश है उसमें बरामद हो पाया पुलिस को? उसको लगभग कह नहीं सकता जी कितना हो सकता है, वो तो काउंटिंग करने के बाद ही पता चलेगा। तो बैंकों की तरफ से क्या जानकारी मिल पाई है, कितना कैश था? अभी कोई जानकारी नहीं पाई हो पाई है इस बारे में, क्योंकि आज संडे होने की वजह से स्टेटमेंट नहीं हो पाई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस प्रकार से एटीएम को उड़ाकर पैसे ले जाने का ये मामला अपने आप में अलग है। बहरहाल पुलिस सीसीटीवी को खंगाल कर आरोपी की तलाश में जुट गई है।